Scene change. Action. ईदगाह, आलमगंज का ईदगाह। जब भी आप यहाँ पे आओगे विजिट करने तो पहली दफा आपको सबसे पहले यही गेट नजर आने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हो कि फिर आलमगंज ईदगाह फिर कहाँ पे है, तो धीरे धीरे आपको सब पता चलने वाला है। बट रही बात इस गेट की, वो मेन पॉइंट है। तो जब भी आप पहली दफा यहाँ पर आओगे तो पहुंचने से पहले आपको साइड में ये गेट जरूर से देखने को मिलेगा, और इस गेट को देख के आपको वही मूवी का सीन याद आने वाला है जिसका हमने रीमेक किया है, जो अभी आप सोच रहे हो। हाँ जी, वही मूवी। तो अभी हो रहा है सुबह का 6 बजे, और सुबह का 6 बजे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप सब लोग सोच रहे होंगे। तो लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊंगा फिर से, क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है। तो सोचा क्यों ना आज आपको थोड़ा सा नेचर का वाइब लेते लेते हुए बताया जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है। वीडियो जो लेट अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे, इसका रीज़न क्या है, और अभी हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, सब बताते हैं। थोड़ा सा सफ़र करिए और सफ़र का आनंद लीजिए। चलो चलो चलो। तो हम और मेरे 3 दोस्त लिटॉन, आजहार और हमारा चाहिए तो आपको बताइए होगा गाजीदा, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सनसेट। तो अभी हम लोग आए थे सनराइज का मजा लेने, एक्चुअली मजा तो नहीं, टाइम लैप्स लेने आया था। बट निकलते निकलते आज उन लोगों को हमारा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं तो ऐसे 10-11 बजे उठता हूँ, लेकिन फिर भी आज इतना जल्दी उठ गया जस्ट बिकॉज ऑफ गाजीदा। गाजीदा इतने फोन कर करके हमें को उठा दिया यहाँ पे। लड़का आज नमाज पढ़ के फजर का एकदम पूरा एकदम भाव में एकदम पूरा वाइब इसका अलग है। तो इसका शूट करने की कोशिश करते हैं सनराइज का। ऑलरेडी तो ये राइज हो चुका है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कुछ कर पाते और आप कहानी बताते हैं। तो कहानी तो हम विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जैसे कि देख सकते हो हमने हमारे कैमरा को लगा दिया है काम पे कि भाई जल्दी से तुम टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर लो या आधा उधर सनराइज का, और तब तक मैं हमारे दर्शकों के साथ इस जगह का रूबरू करा पाऊं। तो जैसे कि देख सकते हो इस जगह स्टार्ट होता है होमगार्ड से। यहां से मैं बोलना चाहूंगा कि लोकलाइट जितने भी बच्चे हैं आलमगंज, धुबरी, पानबारी या उससे आगे पीछे जितने भी यहां लोकल में बच्चे रहते हैं, उनका बचपन इनफैक्ट कॉलेज और स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छे से यहां से जुड़ा हुआ है, इमोशनली कनेक्टेड है। इनफैक्ट मी, हालांकि मैं पानबारी के भी पानबारी में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी यहां से मेरा आना जाना होता रहता था, और वो क्यों वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो जैसे कि देखो, तो सबसे पहले मिलता है आपको एक होमगार्ड का गेट। यहां पे हमने हमारा बचपन बहुत ही अच्छे से गुजारा है भाई, खेलने कूदने में। और उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो आपको केवी का साइड गेट देखने को मिलेगा, और उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मिलेगा केवी का मेन गेट, केवी पानबारी, और राइट साइड में आपको मिलेगा आलमगंज रंगामंडी कॉलेज। और इस कॉलेज से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट किए हैं, बट इस कॉलेज को ना कॉलेज से ज्यादा जाना जाता है इसके खेलने कूदने के रीजन से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोकल में टूर्नामेंट वगैरह होता है, फुटबॉल या चाहे क्रिकेट या जो भी होता है, सब यहाँ पे होता है, क्योंकि इसका फील्ड बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है आप बोल सकते हो। और यहाँ पे हमने हमारा बचपन क्रिकेट और फुटबॉल देखने में बहुत ही अच्छे से गुजारा है। और थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो जहाँ पर ये आपको गेट देखने को मिलेगा, जिसका होना या ना होना की बात है, और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको मिलेगा आलमगंज ईदगाह, जो कि आलमगंज का वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पर हमने हमारा ईद का नमाज पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इस जगह से मैं इमोशनली बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि सारे ईद के नमाज, ऑलमोस्ट सारे ईद के नमाज हमने यहाँ पे ही पढ़े हैं। और आपको पता ही होगा जब भी ईद आता है तो कितना खुशी का मौका होता है, मतलब हम बच्चों को ना ईद आ रहा है इसलिए खुशी नहीं होता, ईद में जो ईदी मिलने वाला है ना उसका तो भाई अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। खैर उसके बारे में और इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे अच्छे से, अभी चलिए हम रिटर्न चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। इस जगह को अपना आलमगंज का व्यू पॉइंट बोल सकते, क्योंकि यहां से ना पूरा आलमगंज नीचे जितने भी है सब कुछ दिखता है। तो आप अगर बोर हो चुके तो चलिए आपके मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मैं ये सब चीजों को सिनेमेटिक वे में दिखाता हूं। कुछ तो मिसिंग लग रहा है, म्यूजिक चेंज करके देखे क्या? देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां।
तो अभी आपको शुरुआत से विस्तार से बताता हूँ कि क्या हुआ था। पहले तो मैंने एक व्लॉग शूट किया था, वो एक रेस्टोरेंट का था। वो कुछ पर्सनल रीजन जिसके साथ मैं गया था, उसका पर्सनल रीजन था कि मेरे को व्लॉग में नहीं आना। बाद में बोला कि नहीं आ सकता ये वो, तो उसकी वजह से मैं डाल नहीं पाया गया वो व्लॉग। उसके बाद हमने शूट किया एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर का वीडियो, मतलब मैं मेरे इंस्टा पे डाला था, सिने साहब में आपने देखा होगा, क्वीन शिवम नाम है उसका। उसका मैंने BTS शूट करने का कुछ BTS काइंड ऑफ व्लॉग बनाया था कि कैसे मैं रील शूट करता हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ पर पहले जब गया शूट वूट किया BTS रिकॉर्ड के, उसके बाद जब लास्ट में मैंने बोला कि तो हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, अभी वहाँ से मैं बिरयानी खाने गया, मतलब जब अभी शूट कंप्लीट हो चुका है वहाँ से फुटेज है, बाकी के फुटेज वहाँ पे नहीं, तो भाई वहाँ से मैं क्या ही दिखाऊं। लेकिन मैंने फिर भी सोचा जो कुछ शूट किया इस व्लॉग में ऐड कर दूं, बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या मैंने शूट किया था। उसके बाद बाकी का भाई साहब, अभी जैसे कि दिस तो मैं यहाँ पे गुवाहाटी पे नहीं हूं, तो जो लोगों को समझ आ चुका है कि मैं गुवाहाटी पे नहीं हूं, घर आ चुका हूं ऑलरेडी, तो उनको बता देता हूं कि मैं गुवाहाटी से बाइक लेके घर आया था जस्ट बिकॉज ऑफ शूटिंग द वीडियो। मतलब गुवाहाटी से बाइक घर आना था मेरे को बाइक लेके, और थोड़ा सा एडवेंचरस करना था और उसका व्लॉग भी शूट करना था। तो उसका वीडियो सब कुछ शूट वूट हो चुका था, लेकिन फोन से मैं कंप्यूटर पे डाला था, ना कंप्यूटर पे मिला मेरे को ना फोन पे मिला। मैंने रिकवरी करने का बहुत ट्राई किया लेकिन मिला नहीं। तो बात इतना ही था और यहाँ पर हाँ, चीजों को और खींच के मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। पीछे आप जैसे कि देख सकते हो मेरे यहाँ पे कैमरा जो है वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा है। ये वही वक्त है जब मैं आपके लिए बोल रहा था, और अभी मैं आपके लिए वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ जो कुछ मैंने फुटेजेस रिकॉर्ड किया था, चाहे वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर वाली BTS व्लॉग क्यों ना हो, या चाहे मैं गुवाहाटी से जो हमारे यहाँ पे आ रहा था धुबरी, उसका वीडियोस या फोटो जो कुछ भी मेरे पास है उसका थोड़ा सा ऐसे कलेक्शन बना के मॉन्टेज बना के आपको दिखा पाऊँ। बाय द वे मैं बोलना चाहूंगा, जहां पर मैं BTS शूट करने गया था वो जो रेस्ट्रो था वो राजस्थानी थीम पे बेस था, जो कि मेरे को काफी सही लगा। तो उसके झलक से मैं ये मॉन्टेज यानी B-roll स्टार्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने ये वाली व्लॉग पे बिरयानी खा के आपको बता रहा था कि बिरयानी बहुत टेस्टी था और आप जरूर से विजिट करना। खैर इस व्लॉग की बात करके आप कोई फायदा है नहीं, अभी बिरयानी देख के मेरे को क्रेविंग हो रहा है, मेरे को जल्दी से खाना खाने जाना है। और अभी चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन पे जो की है हमारा ईदगाह। तो ईदगाह के बारे में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अगर धुबरी डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो डेफिनेटली जगह को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे को नहीं पता कि कोई भी यहाँ पे बाकी होगा लेफ्ट होगा जिसने इस जगह को विजिट नहीं किया है, बट आपने अगर नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ कि ये जगह बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही पॉजिटिव एंड आपको पीसफुल वाइब देगा। जब आप इसमें एंटर करोगे तब आपको पता चलने वाला है। और इस हिस्टोरिकल जगह के साथ एक इसका हिस्टोरी जुड़ा हुआ है, वो है इसका कुआं। तो इस कुएं में ना हम बचपन में सिक्का फेंकते थे, लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है, मतलब दादा परदादा से और इस जगह का जो लोग रहते हैं वो बोला करते हैं कि इस जगह का जो मालिक था, राजा था, जो रहा करता था यहाँ पे, ये कुआं बनाया था जब कोई वॉर या जंग स्टार्ट होता है, अगर कुछ भी होता है, भागना होता है, तो इस कुआं से कूद के पानबारी कुआं का जो मस्जिद है वहां से निकलते थे, क्योंकि ये कुआं पानबारी मस्जिद के कुआं के साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है इस कुएं का। तो आप भी जरूर से अगर आते हो तो इस कुएं में सिक्का फेंक के अपना मन्नत विश जो भी हो वो मांग सकते हो। सो हाँ, यहाँ पे मैं ये कुआं का बात करके यही बता रहा था कि ये वीडियो यही पे खत्म होता है, और ज्यादा हम लोग ना खींचते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आई नो बहुत लेट से अपलोड कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट जो प्रॉब्लम हुआ था झंझट का वीडियो का फुटेज का वो तो समाप्त हो चुका है ना। अभी मैं रेगुलर व्लॉग पोस्ट करता रहूंगा। और रही बात इस वीडियो की, बहुत दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ तो शायद से उतना रीच ना आए, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके मेरा थोड़ा सा हेल्प, इतना सा हेल्प कर देना। सो मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए चाहता बाय बाय, पीस आउट। सोचने का मौका।